लाहौर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित आंध्र प्रदेश के किन्नौर पहुंचे, जहां प्रवासी राजस्थानियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने खेतेश्वर भवन एवं बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन किए, समाज के सदस्यों से चर्चा की। शाम को जैन भवन में आयोजित प्रवासी राजस्थानियों के साथ बैठक कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं लाना है। राजस्थान से यह आने का इस उद्देश्य ये था कि प्रवासी भाई जो जन्मभूमि छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर आकर अपने कर्म भूमि में किस प्रकार से एक अच्छा काम कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में, व्यापार जगत में हो, सेवा जगत में हो, तो राजस्थान के जितने प्रवासी भाई हैं वो वास्तव में यहाँ पर सभी के दिल में जगह रखकर सभी को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। कि अब की बार उनके जिस प्रकार से उनके ही एमएलए और उनके ही मंत्री कह रहे कि अब की बार तो आपको फॉर्चुनर या इनोवा में बैठने जितने ही कांग्रेस के विधायक बचेंगे, ये हम सब मिलकर और राजस्थान की जनता अब की बार ने ठान लिया उन्होंने कि नहीं, अब इस कांग्रेस को कभी वापस नहीं लाना है। अब की बार इनका चांस दे दिया था और अब ये सिर्फ और सिर्फ पायलट अशोक के झगड़े में वहाँ की राजस्थान की जनता पीस रही है और कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये तो भला हो केंद्र सरकार का जिन्होंने ये व्यवस्था, भले कोरोना की महामारी में हो, 80 करोड़ लोगों को आज भी पूरे भारत में गेहूँ देने का काम किया, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया 6000 तक, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए कई 2024 तक, और घर घर जल कैसे पहुंचे इसके लिए खाली राजस्थान में 20000 करोड़ रुपए दिए। ये तो केंद्र सरकार अगर नहीं होती तो राजस्थान का तो अब की बार ये पूरी तरह से मटिया मैल करते। और वास्तव में आप सही पूछ रहे हैं कि इन्होंने राजस्थान की छवि का कहीं कहीं धूमिल किया है। ये जब तक ये साल भर बचा है इनका, लेकिन मुझे लगता नहीं कि साल भर चलेंगे, 4-5 महीने में ये मध्यावस्थी चुनाव होंगे और इनको जनता घर भेज देगी।